भारत जिसे आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी, लेकिन भारतीय परंपरा ने उन्हें राजधर्म के पालन हेतु एक राजदंड भी सौंपा था, जिसे सेंगोल कहा जाता है। लेकिन सत्ता हाथ आने के बाद राजधर्म का दंड संग्रहालय में मात्र एक छड़ी बनकर रह गया। राज तो बरकरार रहा, पर धर्म विमुख हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। वर्ष 2023 में राजदंड यानी सेंगोल को उसकी गरिमा लौटाई जा रही है। इसके साथ ही भारतीयों को लौटाया जा रहा है उनका स्वाभिमान नवनिर्मित संसद के रूप में। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद भवन के सामने खड़ा होगा आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक सेंट्रल विस्टा। आइए जानते हैं सेंगोल है क्या। भारतीय राजधर्म का प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड। सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। सेंगोल तमिलनाडु से लाया गया एक ऐतिहासिक राजदंड है, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था। लेकिन नेहरू ने इसे गोल्डन वॉकिंग स्टिक यानी टहलने की सुनहरी छड़ी का नाम देकर प्रयागराज के संग्रहालय में रखवा दिया था। पर अब इस सेंगोल का रहस्य सामने आया है। इसे पूरे विधि विधान से संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। जब आजादी का समय आया, तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही है, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे, लेकिन उस समय राजा जी और आदिनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सेंगोल का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है। सेंगोल सोने और चांदी से बना हुआ एक दंड है, जिसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जो भगवान शिव का वाहन है। चोल साम्राज्य के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय एक पूर्व राज नए राजा को इसे सौंपता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। अगस्त 1947,
वॉइस राय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था, ब्रिटिश भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए, जिसके बाद पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सी राजगोपालाचारी राजा जी से परामर्श किया। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ थिरुवाधुथुरई आधीनम से संपर्क किया, जो 500 वर्ष से अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में मठों की 50 शाखा को संचालित करता है। थिरुवाधुथुरई आधीनम के तत्कालीन प्रमुख श्रीला श्री अम्बलवाल देसीगर स्वामी ने मद्रास के एक स्वर्णकार वुमिडी को सेंगोल बनाने का आदेश दिया। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के विशेषज्ञों द्वारा सेंगोल बनाने के बाद श्रीला श्री अम्बलवाल देसीगर स्वामी ने सहायक पुजारी श्रीला श्री कुमार स्वामी तंबिरन मठ ओदुवार यानी गायक श्री मणिकम और नाद स्वरम विद्वान श्री टी एन राज रथिनम पिल्ले को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई से सेंगोल के साथ दिल्ली सत्ता हस्तांतरण समारोह के लिए भेजा। श्रीला श्री कुमार स्वामी तांबिरन ने सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में वापस स्वामी जी को सौंप दिया। तब संत ने उस पर पवित्र जल छिड़का और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को श्रीला श्री कुमार स्वामी ने चोल राज की परंपरा के प्रति सेंगोल को नेहरू को सौंपकर सत्ता उनके हाथों में दे दी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वही इतिहास एक बार फिर सामने है, जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और उसके ठीक एक दिन पहले आधीनम के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सेंगोल सौंपा है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान इस राजदंड यानी सेंगोल को प्रयागराज के संग्रहालय से मंगवाया गया है और इसकी वैदिक विधि से शुद्धिकरण करवाकर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी राजा राजधर्म के अधीन होता है, वह धर्म से इतर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसके राज्याभिषेक के साथ ही ये राजदंड दिया जाता था, जो धर्म और नीति का पालन करने के प्रतीक के तौर पर उसके पास होता है। 28 मई 2023 का दिन इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा। साथ ही इस गौरवमयी क्षण के साक्षी होंगी वो दो हस्तियां भी जो मूल सेंगोल के निर्माण में शामिल थे, 96 वर्षीय वुम्मदी एथी राजली और 88 वर्षीय वुम्मदी सुधाकर।